हाय फ्रेंड्स, आज मैं बनाई हूँ मैक्रोनी पास्ता मेरे स्टाइल का। तो देख सकते हो कितना टेस्टी और लजीज दिख रहा है, मस्त। ये देखिए, वेरी टेस्टी। अब इसको कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। ये मैंने मैक्रोनी लिया है और इसको मैं बॉयल करूँगी। इसके लिए मैंने पानी गर्म कर लिया और उसमें मैं डाल रही हूँ, इसको बॉयल करूँगी। ये बॉयल हो चुका है, देखिए। ज़्यादा बॉयल नहीं करना, नहीं तो टूट जाएगा ये। और उसके लिए मैंने अपने स्टाइल से मैंने वेजिटेबल लिया है, एक भिंडी, एक मिर्ची, एक टमाटर, आलू, प्याज, और ये लिया है कुंदरू, लहसुन, और लिया है मैंने फल्ली, और आप देख सकते हो मैंने तेज़पत्ता लिया है। अब मैंने तेल डाल दिया, उसमें मैं राई डाल रही हूँ, तेज़पत्ता भी डाल दिया मैंने, एकदम ही ये देसी स्टाइल है। और इसे मैं थोड़ी सी कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। और मिर्ची को मैंने कट कर लिया है, उसको भी डाल रही हूँ। ये देखिए, भिंडी, कुंदरू को कट कर लिया। सभी सब्जियों को इसी प्रकार से कट कर करके सबको डाल देंगे। ये फल्ली और ये ब्रिंजल, और ये मिर्ची, सभी को अच्छे से भूनेंगे। और टमाटर, इसको मैंने कट कर लिया, सबको अच्छे से भून रही हूँ मैं। और प्याज लास्ट में डालेंगे, नमक डालेंगे, नमक डालने से जल्दी मेल्ट होता है। और ये लिया है मैंने पास्ता मसाला, जिसे मैं डालूंगी। तो मैंने कट कर लिया और देखिए मैं इसमें डाल रही हूँ, साथ में इसको भूनूंगी। और थोड़ी सी ये मिर्ची डाली हूँ, और ये मैं सॉस डाल रही हूँ, बहुत ही टेस्टी लगता है। सभी को अच्छे से भून लूंगी। देखिए रेडी हो चुका है। और थोड़ा सा ऊपर से और नमक डालूंगी और अच्छे से इसको मिलाऊंगी मैं। अच्छे से मिलाना, नहीं तो टूट जाएगा ये। अच्छे से मिल चुका है देखिए, और ये रेडी हो चुका है पास्ता, देसी स्टाइल वेजिटेबल पास्ता, मस्त मस्त, वेरी टेस्टी लगता है। तो देख रहे हो आप, एक रेडी हो चुका है, बहुत ही अच्छा लगता है। जो नहीं भी खाते हैं वो खाते हैं वो घर में। तो आप देख सकते हो कि मस्त मेरा पास्ता तैयार हो चुका है। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बनाइए, मेरा देसी स्टाइल पास्ता। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।